नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में या ज्वाइंट पेन के बारे में या कहे हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है उसके बारे में। साथ में जानेंगे दोस्तों कि ये कितने तरह का ज्वाइंट पेन होता है, साथ में उसके क्या कॉजेटिव फैक्टर है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और साथ में बहुत ही असरदार और इफेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो बहुत इफेक्टिव है, जोड़ों के दर्द के तकलीफ को बहुत ही आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अर्थराइटिस के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस में देखा गया मेनली, अगर आम भाषा में हम समझे तो, इसके अंदर पेशेंट के ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस हो जाना, साथ में बहुत ही ज़्यादा पेन होना, हम अर्थराइटिस कहते हैं। साथ में दोस्तों ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन होने के कारण बहुत सारे ज्वाइंट्स में इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को इससे तकलीफ होने लगता है। दोस्तों अगर बात करें ये कितने तरह का होता है, तो इंडिया में देखा गया है लगभग ये तीन तरह का होता है। इंडिया के लोगों में ये तीन तरीके से पाया जाता है। जो पहला होता है दोस्तों वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरा होता है गाउट। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है दोस्तों, मेनली देखा गया ओल्ड एज के ग्रुप के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा गया। साथ में जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत ही ज़्यादा वो अपने ओवर एक्सक्रीशन के कारण बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला जो लोग काम करते हैं उनमें देखा गया है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि उनका जो बोन है काम काज के वाले जो स्पोर्ट्समैन है उनके बोन्स में बहुत ही ज़्यादा उसके मसल्स और टेंडन्स में खिंचाव पड़ने लगता है और ओवर एक्सक्रीशन के कारण स्वेलिंग और रेडनेस आने की शिकायत हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से मेनली हमारे वेट बियरिंग वाले ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे हमारा हिप ज्वाइंट है, हमारा नी ज्वाइंट है, हमारा एल्बो ज्वाइंट है, या कि हमारा रिस्ट ज्वाइंट है। मेनली हमारा जिस पे वेट कैरी होता है उसको ही अफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ दोस्तों रेडनेस और स्वेलिंग और उसके साथ पेन हो जाता है। बात करें हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, ये होता है सिमिलर ऑस्टियो की तरह, बट इस ये किसी भी ज्वाइंट को अफेक्ट कर सकता है। किसी भी ज्वाइंट में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ सकता है, स्वेलिंग आ सकता है, रेडनेस आ सकता है। अगर हम कंपेयर करें ऑस्टियो से तो लगभग ऑस्टियो की तरह इसमें सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर हम डॉक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ऑस्टियो है या रूमेटॉइड है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है मेनली, अगर किसी पेशेंट को मान लो उसको राइट साइड में अगर पेन हो रहा हो तो बाद में वो पेन लेफ्ट साइड में जरूर शिफ्ट करेगा। पेशेंट आके कई बार आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब आज मेरे राइट में हो रहा था पेन और कुछ समय बाद मेरे लेफ्ट पेन में पैर में भी पेन होने लगा, मेरे लेफ्ट जॉइंट में भी पेन होने लगा। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। साथ में दोस्तों हम इसको ब्लड टेस्ट और एक्सरे और एमआरआई से भी डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम स्पेशली ब्लड टेस्ट में देखें तो हम आरए फैक्टर का टेस्ट करते हैं, साथ में हम ईएसआर और सीबीसी भी करा लेते हैं, क्योंकि अगर हम देख लेते हैं कि सीबीसी में भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन कभी कभी आ जाता है। साथ में जो हमारा आरए फैक्टर का जो टेस्ट है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखा जाता है, साथ में जो हमारा ईएसआर का लेवल है वो भी बहुत हाई हो जाता है, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हम देखने के लिए कभी कभी हम सीआरपी टेस्ट करा लेते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उससे भी हमें पता लग जाता है बड़ी आसानी से कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर बात कर ले हम तीसरे गाउट के बारे में, तो गाउट में मेनली देखा गया है कि जो हमारा यूरिक एसिड, हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण हमारे ज्वाइंट्स में इफेक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स पे आके डिपॉजिट होने लगते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा पेन, सीवियर पेन, साथ में हमारे जो कार्टिलेज है उसमें भी टियरिंग पड़ने के कारण, साथ में धीरे 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 ये प्रोसेस बढ़ता जाता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में, जो तीनों अर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थी कि पहले मैं आपको डाइलोशन कॉम्बिनेशन बताऊंगा,
उसके बाद जो सेकंड नंबर बताऊंगा वो मर्डर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। जो पहली जो डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन में जो पहली मेडिसिन है दोस्तों वो है रस्टॉक्स। सबको पता है लगभग कि रस्टॉक बहुत ही इफेक्टिव है, इसको हम एज ए पेन किलर भी यूज़ करते हैं। इसमें देखा गया है मेनली कि ये कोल्ड वेदर हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठंडा मौसम में बहुत ही ज़्यादा लोगों को पेन होता है। साथ में इसमें देखा गया कि पेशेंट अगर एकदम से बैठ के उठता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और थोड़ा लंबा चल ले तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है दोस्तों। इसमें जो दूसरा दवाई है दोस्तों वो है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा है, ये उन पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा काम अच्छा करता है जो बहुत ही ज़्यादा पेन सेंसिटिव हो, उनको छूने पे भी बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता हो। अगर अगर हम टच करें तो पेशेंट कहेगा मेरे को बहुत ही ज़्यादा इसमें सीवियर पेन हो रहा है, आप छूओ मत, तो इस तरह के सिम्टम्स। साथ में दोस्तों ये किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों, आप इसे भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दोनों डाइल्यूशन की डोजेस के बारे में, तो दोनों को आप दो दो बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर सीवियर कंडीशन है तो आप इसको घंटे घंटे में भी ले सकते हैं, एक्यूट कंडीशन में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, कोई इसका आपको नुकसान नहीं होगा दोस्तों। बात कर ले तो जो दूसरा जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, इसमें जो पहली दवाई है दोस्तों वो है रस्टॉक्स मदर टिंचर। आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत इफेक्टिव है किसी तरह के पेन, स्वेलिंग और रेडनेस के लिए। साथ में दोस्तों अगर कोई पेशेंट जब भी बैठ के उठता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन, सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये कोल्ड वेदर में बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो पेशेंट को बहुत ही अच्छे से ठीक करता है दोस्तों। जिसमें दूसरा जो मदर टिंचर है दोस्तों वो कोलोफाइलम मदर टिंचर, ये भी बहुत ही इफेक्टिव दवाई है ज्वाइंट्स पेन्स को ठीक करने के लिए। साथ में रेडनेस और स्वेलिंग आ जाए, साथ में किसी तरह से भी जॉइंट्स को अफेक्ट करे तो बहुत ही अच्छा ये काम करती है दोस्तों। इसमें जो तीसरी दोस्तों दवाई है वो एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिया स्पाइकेटा मदर टिंचर जो है दोस्तों हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स है उसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। ये हमारे जो जितने भी अगर लोग बहुत ही स्मॉल जॉइंट से ग्रसित है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन है और टियरिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, अगर उस तरह के पेन में ग्रसित है तो आप एक्टिया स्पाइकेटा को ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करें इसमें जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में चौथी दवा है दोस्तों, वो दोस्तों है गुलथेरिया। गुलथेरिया बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है किसी तरह के इन्फ्लामेटरी कंडीशन में और किसी तरह के हमारे पेन में, बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। साथ में दोस्तों इसमें देखा गया कि मेनली इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बहुत ही कम समय में ठीक करने में सक्षम। पांचवी दवाई है दोस्तों है आर्टिका यूरेंस। ये जो लोग गाउट से परेशान है उन पेशेंट में बहुत ही इफेक्टिव है। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगते हैं उस यूरिक एसिड क्रिस्टल को ये बहुत ही अच्छे से डिजॉल्व कर देता है। साथ में इसमें देखा गया कि रेडनेस, स्वेलिंग और पेन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता है दोस्तों। जान लेते हैं दोस्तों इन मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को लेनी कैसी है। तो आप एक क्या कीजिए कि इसको आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से पाँचों दवाई को ले आइए, और साथ में एक 100 ml की खाली सीसी उसी शॉप से आप मांग के ले आइए ड्रॉपर वाली, और सारी मेडिसिन के 20-20 ml आपको डाल लेनी है दोस्तों। डालने के बाद अगर आप 20-20 ml पांचों मेडिसिन को डाल लीजिएगा तो आपका 100 ml का मर्डर टिंचर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, और इसको आप एक्यूट फेज में, मतलब आपको सीवियर पेन है तो आप इसको घंटे घंटे में रिपीट कर सकते हैं। आपको 20-20 बूंद आपको क्या करनी है, थोड़े से पानी में 1/3 cup of water में आपको लेनी है दोस्तों। कहने का मतलब है कि एक कप में 1 हिस्सा पानी, 3 हिस्सा ऊपर का खाली, और इसमें 20 बूंद डाल के आप 1-1 घंटे में ले सकते हैं। अगर ये क्रॉनिक कंडीशन है और आप इसको रेगुलर बेस पे लेना चाहते हैं तो आप इसको दिन में 3 बार ले, सुबह, दोपहर, शाम, थोड़े से कोसे पानी में ले, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा दोस्तों। और सच मानिए, यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका किसी तरह के अर्थराइटस में, चाहे ये तीनों अर्थराइटस से गाउट हो, ऑस्टियोअर्थराइटस हो या रूमेटॉइड अर्थराइटस हो, ये तीनों में बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों। आप दोस्तों इस मेडिसिन को लेने के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे।
दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी की भी मदद ले सकते हैं। इसको आपको लेने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है अर्थराइटिस के अंदर। साथ में दोस्तों जो अपनी डाइट है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप बैलेंस डाइट ले, आप किसी तरह से उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयली या फास्ट फूड इस तरह का सेवन ना करें। बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ही आसानी से हम अर्थराइटिस को मात दे सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थराइटिस के बारे में समझाया। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों